हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीसी के माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस पेपर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का है और 3 आवर्स इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी। तो फर्स्ट सेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको मैं बता दूँ कि बीएससी जीएनएम और पोस्ट बीसी के लिए एक जैसा ही पेपर होता है, थोड़ा ही डिफरेंस होगा। तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और भी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है वो पेपर आपको डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोल्ड चेन, सेकेंड डिफाइन हाइपरसेंसिटिविटी, थर्ड एनलिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, एनलिस्ट एनी फूड बॉर्न डिजीजेस, कंपेयर ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड कल्चर मीडिया। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट्स टाइप, 7 द फंक्शन ऑफ ब्लड, कोच पास्चुरेट्स, HIV, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग, स्टरलाइजेशन एंड डिसइनफेक्शन, हेलमेंटिक इन्फेक्शन, विडाल टेस्ट। पार्ट सी है, इसमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, राइट डाउन द पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अकॉर्डिंग टू ये मार्क्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 10th क्वेश्चन है डिफाइन बैक्टीरिया, बी है एनलिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, सी है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट है डिस्कस द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया एंड फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनिटी, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट आर इफेक्टिंग द इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक्सप्लेन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये हमारे क्वेश्चन थे माइक्रोबायोलॉजी के, और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के टॉपिक एंड क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।